सुरेश, एक बार फिर से रॉयल एनफील्ड की सारी बाइक्स की ऑन रोड प्राइस यहाँ बढ़ चुकी है। आज है 1 जनवरी 2022 और आज जो है सारी बाइक्स की लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि प्राइस जो है सारी बाइक्स की लगभग बढ़ चुकी है एंड एक बाइक जो आप सबकी फेवरेट है उसकी प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आज पूरी वीडियो आप ज़रूर देखेगा एंड तक। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 98। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। सुरेश, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो से और सबसे पहले यहाँ चलते हैं बुलेट 350 किक स्टार्ट के पास, जो कि काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ पर हम चलते हैं बुलेट 350 स्टैंडर्ड, जो है आप सबकी फेवरेट, बहुत आप अच्छा रिस्पांस देते हैं स्टैंडर्ड 350 की वीडियो के ऊपर। सो गाइस, इसका प्राइस जो है काफ़ी कुछ बढ़ चुका है और अब जो इसका ऑन रोड प्राइस आता है, यहाँ पर जयपुर की अगर मैं बात करूँ आरबीएस मोटर कॉप के अंदर, बुलेट 350 किक स्टार्ट एबीएस का ऑन रोड प्राइस आता है 1,83,290 रुपीज़। तो यार यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा एक डिफरेंस देखने को मिलेगा प्राइस के अंदर, बिकॉज गाड़ी जो है महंगी कर दी है रॉयल एनफील्ड ने। बिकॉज मेरे को लगता है ये बहुत ही हॉट सेलिंग बाइक थी यार, काफ़ी ज़्यादा बिक रही थी आजकल, तो मुझे लगा रॉयल एनफील्ड ने इसलिए प्राइस लिस्ट बढ़ाई होगी, उनका ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। अब यहाँ पर चलते हैं एक और नई बाइक के पास, विच इज़ बुलेट 350, जो सबसे सस्ती यहाँ किक स्टार्ट वेरिएंट आता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल बेस वेरिएंट है यहाँ पर बुलेट 350 का, सबसे सस्ती बाइक है रॉयल एनफील्ड की इस समय इंडियन मार्केट में, और इसका ऑन रोड प्राइस आपको देखने को मिलेगा लगभग यहाँ पर 1,75,687 रुपीज़। इसका एक यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्टार्ट वेरिएंट भी आता है, जिसके अंदर सिर्फ यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक स्टार्ट से बाइक इलेक्ट्रिक से स्टार्ट होती है बाइक, तो कुछ इस प्रकार की बाइक आती है, सिर्फ आपको किक की जगह बटन से स्टार्ट करनी होती है। तो सेम बाइक जो इलेक्ट्रिक स्टार्ट वाली आती है उसका ऑन रोड प्राइस यहाँ पर मुझे देखने को मिलता है वो है 1,93,150 रुपीज़। अब चलते हैं यहाँ पर क्लासिक 350 के पास, जो कि आप सबकी और हमारी सबकी फेवरेट बाइक है। यहाँ पर हम बात कर लें सबसे पहले मार्श ग्रे के बारे में, दिस इज़ द क्लासिक 350। यहाँ पर हम बात करें तो लेटेस्ट वेरिएंट है जो डुअल चैनल एबीएस के साथ यहाँ पर बाइक आती है। अगर यहाँ हम बात करें डुअल चैनल एबीएस वाली क्लासिक 350 सिग्नल्स मार्स ग्रे के बारे में, तो इसका ऑन रोड प्राइस आपको देखने को मिलेगा 2,46,738 रुपीज़। तो कुछ इस प्रकार का प्राइस है। अब इसके एक और नए कलर के पास चलते हैं, जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ है, विच इज़ दिस स्पेशल कलर। एक काफ़ी अच्छा कलर है, काफ़ी एक बढ़िया तरीके से बाइक यहाँ पर निखर के आती है। अगर इसके मैं ऑन रोड प्राइस के बारे में बताऊँ, दिस इज़ द क्लासिक 350, ये भी डुअल चैनल एबीएस वाला सिस्टम है। इसमें अगर ऑन रोड प्राइस बताऊँ इसका, तो ये हेल्सियन ब्लैक है। इसका ऑन रोड प्राइस जो हमें देखने को मिलता है वो है यहाँ पर, अगर हम बात करें 2,33,740 रुपीज़। अब यहाँ पर चलते हैं क्लासिक 350 के बेस वेरिएंट के पास। मुझे रेड कलर में लिटरली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है एंड इसका एक थोड़ा सा ग्रेइश ब्लू कलर भी आता है, उसमें भी काफ़ी शानदार लगती है। ये क्लासिक 350 का बेस वेरिएंट है, सबसे सस्ता वेरिएंट है। यहाँ पर क्लासिक 350 की बात करूँ, सिंगल चैनल एबीएस के साथ आता है, मतलब रियर में आपको यहाँ ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है, डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलता है। इसका ऑन रोड प्राइस मैं आपको बताऊँ क्लासिक 350 सिंगल चैनल एबीएस यहाँ पर रेडिच रेड जो यहाँ पर कलर आता है, इसका ऑन रोड प्राइस आपको देखने को मिलेगा 2,23,625 रुपीज़। तो लगभग ये भी बाइक लगभग 3,000 रुपये महंगी हो चुकी है। अब यहाँ पर चलते हैं मीटियोर के पास। मीटियोर काफ़ी सारे लोगों को पसंद है बिकॉज एक काफ़ी अच्छी क्रूजर बाइक है। यहाँ पर मीटियोर की बात करूँ, मीटियोर 350 के बारे में अगर यहाँ बात करें हम, एक ये सबसे बेस वेरियंट है मीटियोर 350 का। इस मॉडल का नाम है फायरबॉल। यहाँ पर अगर हम बात करें फायरबॉल में, ये एक स्पेशल कलर है, बाकी इसमें जो कलर आते हैं नॉर्मली वो आते हैं रेड और येल्लो। जो फायरबॉल रेड और येल्लो आता है उसका ऑन रोड प्राइस आता है लगभग अब 2,40,000 रुपये। और यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्टेड स्टेलर के बारे में, एक बार चलते हैं स्टेलर की तरफ। सो स्टेलर वो खड़ी है, एक बार साइड में आपको लेके चलता हूँ। सो गाइस, ये है स्टेलर वेरिएंट। स्टेलर वेरिएंट में आपको यहाँ पर बैक सीट देखने को मिलेगी और थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे, ज़्यादा चेंजेस नहीं है यहाँ पर। इसका जो ऑन रोड प्राइस आता है मीडियो 350 इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्टेड स्टेलर का, अगर यहाँ बात करूँ ब्लू कलर के बारे में, तो इसका ऑन रोड प्राइस आता है 2,46,913 रुपीज़। एंड यहाँ पर अगर हम चलें मीडियो 350 सुपरनोवा के पास, तो गाइस ये आप देख सकते हैं सुपरनोवा, इसमें क्या है ट्रैवलिंग विंडस्क्रीन आती है एंड बैक सीट आती है, कुछ कॉस्मेटिक्स यहाँ पर आते हैं अच्छे खासे, तो इसका ऑन रोड प्राइस आपको देखने को मिलेगा सुपरनोवा का लगभग 2,58,466 रुपीज़। अब यहाँ पर चलते हैं हिमालयन के पास। तो हिमालयन में क्या है काफ़ी सारे यहाँ कलर्स आते हैं, काफ़ी सारे वेरियंट्स
पाते हैं। तो ये टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है हिमालयन का। अगर यहाँ ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करें हिमालयन के, दिस इज द ग्रेनाइट ब्लैक कलर। इसका ऑन रोड प्राइस आपको लगभग देखने को मिल जाएगा यहाँ पर 272,849 रुपीज। यहाँ पर अगर हम बात करें हिमालयन के बेस वेरिएंट के बारे में, तो इसका बेस वेरिएंट है एंड इसका हम कलर के बारे में यहाँ पर बात करें तो सिल्वर कलर में आती है ये। इसका ऑन रोड प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा ऑन एन एवरेज लगभग यहाँ पर 264,137 रुपीज। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें लेक ब्लू कलर के बारे में, तो ये काइंड ऑफ मल्टी कलर है, काफी अच्छी लगती है लेक ब्लू मुझे पर्सनली। यहाँ पर अगर ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करूँ तो लगभग 268,499 रुपीज यहाँ पर ऑन रोड प्राइस आता है बाइक का। सो गाइस अगर इंटरसेप्टर 650 की बात करें तो यहाँ पर जो कलर आपको देखने को मिलेगा दिस इज सनसेट स्ट्रिप। अगर सनसेट स्ट्रिप की ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करूँ तो 361,496 रुपीज इस बाइक का ऑन रोड प्राइस आपको देखने को मिलता है। एंड अब चलते हैं यहाँ पर कॉन्टिनेंटल जीटी 650 के पास, जो कि एक कैफे रेसर स्टाइल बाइक आती है। बाकी परफॉर्मेंस के मामले में बिल्कुल यहाँ पर इंटरसेप्टर जैसी ही देखने को मिलती है। तो इसका ऑन रोड प्राइस आता है रॉकर रेड कलर की अगर हम बात करें तो 376,910 रुपीज। सो गाइस कुछ इस प्रकार की प्राइस लिस्ट ही है, लेटेस्ट प्राइस लिस्ट है यहाँ पर जयपुर की। अगर बात करूँ 1st of January आज है, आज ये प्राइस बढ़ चुकी है बाइक्स की, कुछ इस प्रकार की प्राइस हो चुकी है। तो अब अगर मेरे हिसाब से अगर आप पूछो वैल्यू फॉर मनी बाइक्स कौन सी है, तो देखो अगर आप सिटी के लिए बाइक ढूंढ रहे हो तो क्लासिक सीरीज आप डेफिनेटली ले सकते हो, ये बहुत ही बढ़िया सीरीज है। अगर आप ट्रैवलिंग के लिए, प्योर ट्रैवलिंग के लिए बाइक ढूंढ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको हिमालयन लेनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही शानदार एक अच्छी बॉडी लाइन के साथ आती है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा है, इसके सस्पेंशन सिस्टम भी ज़्यादा है एंड डेफिनेटली ट्रैवलिंग के लिए एक परफेक्ट बाइक है। बट अगर आप एक क्रूजिंग प्लस डेली राइड्स के लिए बाइक देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से मीटियोर आपके लिए काफ़ी बढ़िया है। और अगर आप एक बहुत ही पावरफुल ट्रैवलिंग के लिए, डेली यूज़ के लिए, संडे राइड्स के लिए, सिटी राइड्स के लिए एक बाइक ढूंढ रहे हैं तो मेरे हिसाब से इंटरसेप्टर 650 इज वन ऑफ द बेस्ट बाइक यू कैन फाइंड आउट इन मार्केट। एंड अगर आपको कैफे रेसर्स चलाना बहुत पसंद है तो आप इसका जो कॉन्टिनेंटल जीडी 650 आता है वो आप ले सकते हैं। एंड आई पर्सनली प्रेफर इंटरसेप्टर 650 बिकॉज इसका टॉर्क बहुत अच्छा है, इसका जो इनिशियल एक आपको थंब देखने को मिलता है वो बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। सो गाइस कुछ इस प्रकार की यहाँ प्राइस लिस्ट है, सारी बाइक्स यहाँ पर खड़ी हैं। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं throttle_98 पर इंस्टाग्राम का हैंडल है, यहाँ लिख के आ रहा होगा। मिलते हैं आपसे मिले वीडियो में, थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस। सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम भी आप इनवाइट, सेफ, बाय।